गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, टोटो में हम सवार हो चुके हैं ये देख सकते हो, और टोटो से हम उतर चुके हैं और एम्स का गेट पहुंच चुके हैं ये देख सकते हो। नज़ारा कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता भी नहीं किया है तो काफ़ी ज़बरदस्त भूख भी लग रहा है। अभी फटाफट से यहाँ से आगे चलते हैं, और ये देख सकते हो पराठा सेंटर में हम पहुँच चुके हैं और पराठा बन के तैयार हो ही रहा है। तब तक हम इधर में थोड़ा सा बैठ के इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार करने के बाद हमें फाइनली पराठा एकदम पूरा गर्मा गर्म मिल चुका है। उसके बाद में हम पूरा एकदम गर्मा गर्म पराठा का एकदम मज़ा लेते हुए, ये देख सकते हो काफ़ी गर्म पराठा मिला, एकदम काफ़ी मज़ा आ गया खाने में। पराठा खाने के बाद हम एम्स का गेट के अंदर इंटर हो चुके हैं, ये देख सकते हो नज़ारा आप लोग, और एम्स के अंदर का कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और BH1 पहुँच जाते हैं हॉस्टल के अंदर में। YouTube चैनल में तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एम्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें को क्रॉस करते हुए मैं टोटो में सवार होकर कहीं जा रहा हूं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां जा रहा हूं, सारा एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी देख सकते हो मैं शंख मोड़ में हूँ देवघर का, ठीक है। तो यहाँ से आगे चलना पड़ेगा मुझे। अभी टोटो से मैं उतर चुका हूँ और पैदल चलने लग गया हूँ, ये देख सकते हो ब्रिज के नीचे नीचे मैं कहाँ जा रहा हूँ बताता हूँ आप लोगों को। तो ये सत्संग नगर का ब्रिज है, तो इससे आगे थोड़ा चलेंगे तो अभी हमें सत्संग नगर का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। ये देख सकते हो ये ब्रिज के नीचे में काफ़ी अच्छा एकदम टेम्पू वगैरह और सारा कुछ एकदम मिल जाएगा आप लोगों को। और ये देख सकते हो सत्संग नगर का स्टेशन ये है, इधर में देख सकते हो ट्रैक है, और इस ट्रैक को पार करके मुझे मेन रोड की तरफ में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं ट्रैक पार करके इधर में देख सकते हो मेन रोड पे आ गया हूँ, और यहाँ से अभी मुझे टोटो लेना पड़ेगा और यहाँ से VIP चौक के लिए निकलना पड़ेगा मुझे। तो ये देख सकते हो फाइनली मैं टोटो पे सवार हो चुका हूँ, और हमारे टोटो वाले भाई भी तैयार हो रहे हैं कि जल्दी से टोटो यहाँ से निकाला जाए। और देखते ही देखते ये देख सकते हो मैं देवघर का VIP चौक पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ से अभी आगे चलते हैं। काफ़ी भूख भी लगने लगा है मुझे, काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। तो ये देख सकते हो V-Mart और देवघर प्लेस होटल देखने को आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ से आगे चलते हुए ये देख सकते हो ठेला मिल गया है मुझे, और ठेला में क्या खाएंगे कुछ पसंद नहीं आया मुझे। उसके बाद में मैंने जा कर के जूस पी लिया, ये देख सकते हो एकदम गन्ना का मस्त वाला जूस पिया, एकदम देसी वाला, एकदम पूरा मीठा वाला। उसके बाद में अभी यहाँ से आगे की ओर चलते हुए जा रहे हैं हम, और अभी ये देख सकते हो 1 बज चुका है और भूख भी लग चुका है मुझे काफ़ी ज़बरदस्त। मस्जिद वाला चौक पे आ गया हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा खाना मिल गया है मुझे, चिकन चावल, तो एकदम मस्त टाइप का यहाँ पर चिकन चावल दबा के खा लिया है। इसके बाद में यहाँ से आगे की ओर चल दिया है मैंने पैदल पैदल। तो अभी देख सकते हो रोड भी सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है थोड़ा सा, अभी धूप भी काफ़ी तेज़ है। ये देख सकते हो एक V2 का मॉल भी मिल चुका है मुझे। अभी यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा मुझे, उसके बाद में अपना जो काम है वो सब निपटाना पड़ेगा मुझे। तो अभी चलते जा रहा हूँ मैं अंदर की ओर, इधर जाना है इसी गली में मुझे, और हमारा काम निपटाते निपटाते रात हो गया है दोस्तों, करीबन 8 बज चुका है अभी, और ये देख सकते हो काफ़ी भीड़ भाड़ लग रहा है एकदम देखने में। तो चलो इसी बात पे वीडियो को आप लाइक कर देना, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली।